हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है मॉर्निंग में झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है, नाश्ता भी सबने कर लिया है। और इस रूम के मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा वगैरह नहीं लगाया। तो अभी मैं कर रही हूँ यार डीप क्लीनिंग। तो ये फैन काफ़ी दिनों से जो है बहुत गंदा हो रखा था, और आज करूँ कल करूँ बस ऐसे ही मैं टला दिया था मैंने। तो वाइट वाला जो फैन होता है उसमें ज़्यादा ही थोड़ा सा भी गंदगी है वो ज़्यादा ही दिखती है। तो मैं यहाँ पे फ़ैन को साफ़ कर रही हूँ हल्के से गीले कपड़े से। तो काफ़ी ऊपर है छत, बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ी वगैरह तो है नहीं। तो मैंने बेड में जो गद्दे वगैरह सब बाहर डाल दिए, और उसके ऊपर में लगा रखी है बेड के ऊपर में कुर्सी। तो इस यहाँ पर मैं गीले कपड़े से इसको पहले सूखे कपड़े से किया सारा धूल वगैरह, और अब मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ। और पूरे रूम में जो है जाले वगैरह खिड़कियों में काफ़ी लग चुके थे, तो मोटी मोटी क्लीनिंग ही होती है। तो मैंने सोचा एक एक रूम करके आज मैं इस रूम के अच्छे ढंग से क्लीनिंग कर लूँ। तो पूरे घर में तो एक ही दिन होगी नहीं, क्योंकि बाकी के काम भी हैं, खाना वगैरह, बर्तन, कपड़े धोने, जो भी डेली के काम होते हैं। तो सफाई में नहीं तो पूरा दिन चल जाएगा। ये डर भी लग रही है ना, कहीं कुर्सी टूटे ना, प्लास्टिक की कुर्सी है। तो प्राप्ति वगैरह, प्राप्ति गौरव ये मेरी मदद कर रहे हैं, जैसे कपड़ा को देना धो के साफ़ करने के लिए, झाड़ू वगैरह देना। काफ़ी दिनों से, एक डेढ़ हफ्ते से बोल रही हूँ मैं कलपंखा साफ़ करना, कलपंखा साफ़ करना, बस ऐसे ही टाइम ही नहीं लगता। तो अभी मैंने कहा चलो और काम में रोक देती हूँ, पहले इसको अच्छा नहीं लगता। जैसे पंखा ऑन किया तो धूल सी उड़ती है, फिर अगर ज़्यादा जो है ना डस्टिंग हो रखी है। तो ये काम भी एक दिन करना ही था। तो काफ़ी बिजी डे था कल का, क्योंकि पूरे घर में क्लीनिंग वगैरह करना, कपड़े धोना, दो टाइम तो कपड़े धोए शाम को। और इस वजह से मैं वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पाई कल। तो अभी कर रही हूँ मैं आज बृहस्पतिवार को अभी सुबह में। और पूरी दिन की, ये तो सिर्फ मॉर्निंग की वीडियो बनाई मैंने, दिन की और रात शाम वगैरह की नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चों के पास, मेरा पास एक ही मोबाइल है, तो ये अपना स्कूल का काम कर रहे थे। तो पंखा मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, खिड़कियों से जाले वगैरह झाड़ के इसमें गीला कपड़ा मार रही हूँ मैं। जाले वगैरह तो मैंने झाड़ू से झाड़ के अब इसमें गीला कपड़ा मार दिया है। जैसे एक दो हफ्ते हो गए, आठ दस दिन हो गए ना, तो सफाई नहीं की, जाले वगैरह निकाले तो बहुत जल्दी लग जाते हैं जाले। आठ दस दिन बाद देखो तो बहुत सारे जाले लगे होते हैं खिड़कियों में, पर्दों के पीछे। तो डेली डेली नहीं हो पाता इतना काम। तो अभी पूरा मैंने इस पे झाड़ू से निकाल दिया, और दरवाजे पे खिड़कियों पे हल्का सा गीला कपड़ा मार लूँगी, और बेड को उसकी सही जगह पे लगा के। और ये जो टीवी रखी हुई है मेरी, इसके ये टीवी कम से कम एक दो साल से यहाँ पे रखी हुई है, टेबल तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो रेंट पे रहते हैं आप लोगों को पता है, ज़्यादा सामान जोड़ना जो है ना अपने लिए परेशानी होती है शिफ्टिंग के टाइम पे, इसलिए मैंने बक्से के ऊपर पे रखी है ये टीवी। और जब से यहाँ पे रखा है एक दो साल से, तब से इसको उठाया भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके नीचे भी सफाई कर लूँ, दो साल हो गए हैं। तो इस बक्से को हटा के, टीवी को हटा के, और इसके नीचे भी अच्छी तरह से सफाई करके, क्योंकि मच्छर वगैरह भी तभी होते हैं जब घर में गंदगी रहती है। तो इसको भी मैं भी टीवी को हटाऊँगी, इसके नीचे भी साफ़ सफाई करके, और उसके बाद टीवी को थोड़ा सही ढंग से फिर लगा लूँगी। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेती हूँ। प्राप्ति वगैरह इन्होंने भी आज सुबह जो है पढ़ाई नहीं की, मेरे साथ मदद कर रही थी, और इसलिए मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो इनका सुबह का होमवर्क था, काम था, वो इन्होंने दोपहर को किया और शाम को किया। सुबह बिल्कुल भी किसी की पढ़ाई नहीं हुई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा था पूरे घर में। तो चलिए पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। Thank you.
तो अभी जो है पूरा कमरा क्लीन हो चुका है। सारा सामान गद्दे वगैरह मैंने बाहर डाले थे सुखाने के लिए, फिर दोबारा से बेड में बिछा दिए। और अभी पूरा रूम जो है ये वाला क्लीन हो चुका है। जाले वगैरह सब निकाल के टीवी को भी उसके नीचे साफ़ सफाई करके, और इसमें मैंने पर्दा वगैरह बंद कर रखी है इसलिए थोड़ा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि खिड़की वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने पर्दे बंद कर दिए हैं। तो ये टीवी थोड़ा इस दरवाजे की तरफ थी, इसको भी खिसका के थोड़ा आगे लगा लिया, और चादर वगैरह झाड़ के फिर से वही वाले बिछा दिए मैंने। तो ये वाला रूम तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसी में मेरा पूरा दिन निकल चुका है। फैन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, पूरा दिन इसी में निकल गया था। और तब तक लंच बनाने का भी टाइम हो गया, कपड़े वगैरह तो मैंने कम ही धोए, तब तक लंच बनाने का टाइम हो चुका था। ये किचन में मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पे जो है प्राप्ति इसको पीयू को गौरव को लगी भूख, तो शाम में कुछ और तो था नहीं, आम तो इन्होंने दोपहर को खाए, तो मैंने कहा एक एक रोटी जो है इनके लिए बना लेती। आटा था फ्रिज में, बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो मैंने कहा रोज़ रोज़ बाहर की चीज़ें ये जैसे बिस्किट वगैरह, तो अभी सिंपल से एक रोटी खा लो एक एक करके। तो अभी जो है इवनिंग का झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, और इनको रोटी वगैरह दे के। आम तो थे फ्रिज में, इसके पापा ने मना किया दिन में वो ही खाए, अभी भी बार बार भी जो है ठीक नहीं है खाना, रोटी खा लो अभी। तो इनको रोटी देने के बाद मैंने पूरे घर में इवनिंग को फिर झाड़ू लगा दिया। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ता तो वैसे मैंने पहले रोटी आटा गूंद के रखा है, और दो चार रोटी बना भी ली और सूखे आलू। तो बच्चों ने तो मना कर लिया, हम सूखे आलू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो बच्चे लोग सब्जियाँ खाते भी कहाँ हैं। तो मैंने कहा जब आलू उबाल रखे ही हैं तो इसको यूज तो करना ही है, तो मैंने गौरव से ब्रेड मंगवाए, और मैंने कहा इनके लिए ब्रेड पकौड़े ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू तो बॉइल किए ही थे, और ब्रेड तो गौरव लेके आया, तो मैं इनमें जो है आलू को बारीक कर लिया है, और उनमें मसाले वगैरह सूखे मसाले डाल दे, एक हरी मिर्च काटती और इसमें फ्राई करके बनाऊंगी मैं। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल डाला, उसमें अजवाइन डाल दिया। अजवाइन डालने के बाद जो है एक प्याज कद्दूकस कर रखा था, तो वो प्याज डाल दिया मैंने, उसको हल्का सा फ्राई करूंगी, प्याज को ज़्यादा नहीं करूंगी। जो हरी मिर्च कटी थी वो भी डाल दी, और थोड़ी देर में इसको फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी। और उसमें डाल दूंगी मैं जो आलू की पिट्ठी है, इसमें सारे सूखे मसाले मैंने डाल रखे हैं। तो मिर्च वगैरह मैंने ज़्यादा, मिर्च तो मैंने लाल मिर्च तो डाली नहीं, सिर्फ हरी मिर्च काट के डाल ली, क्योंकि बच्चों के लिए है तो ये ज़्यादा मिर्ची नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं ब्रेड के जो पकौड़े होते हैं, तो ब्रेड मैंने आलू भर दिए हैं, इसको कट कर दूँगी। ज़्यादा तामझाम वाले जैसे हरा धनिया वगैरह बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ मैं, इनको बेसन का घोल बना रखा, उस पर बेसन लगा के, और ये यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ मैं। और जैसे जैसे बन रहे हैं वैसे वैसे ये लोग खा भी रहे हैं, और काफ़ी समय बाद बनाए, तो जैसे कुछ भी चीज़ हम काफ़ी देर बाद बनाते हैं कुछ महीनों बाद, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को क्या, हमें भी अच्छा लगता है कुछ चीज़ बहुत लंबे समय बाद बनाई। तो जैसे पकौड़े तल रहे हैं वैसे वैसे ये तीनों खा भी रहे हैं, और इसके पापा ने तो पहले ही नाश्ता कर लिया था, रोटी और आलू की सब्ज़ी खा ली थी।
तो ये बचे हुए ब्रेड के पकोड़े हैं। तो मैंने भी रोटी नहीं बनाई अपने लिए, ऐसे दो रोटी तो बची थी, पर मैंने कहा चलो मैं भी पकोड़े चाय के साथ खा लेती हूँ। उसे चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाई, बच्चे नहीं खाते और सॉस तो कब से है नहीं घर में, तो ब्रेड के पकोड़े खा लेते हैं पहले। हेलो गाइस, तो अभी जो है सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी मेरे पूरे घर में पोछा नहीं लगा, किचन मेरा ऐसा बिखरा हुआ है, बुरे हाल हो रखे हैं। जैसे होता है ना, सबके होता होगा, जैसे नाश्ता वगैरह बना लिया या लंच बनाया डिनर कुछ बना लिया, तो उसके बाद पूरा किचन बिखरा हुआ होता है और उसको समेटना सबसे पहला काम होता है, उसको समेटना, साफ सफाई करना। तो अब नाश्ता कर लिया सबने, सबसे पहले किचन में बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। स्लैब वगैरह जब तक साफ नहीं हुआ तब तक तो लगा रहता है, कुछ काम अभी किए नहीं, तो स्लैब वगैरह साफ करने के बाद अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में पोछा। और 10:15 हो चुके हैं और आज अभी तक जो है मेरा सुबह का काम पूरा नहीं हुआ, कपड़े वगैरह नहीं धोए। ऐसे होता है बच्चों के साथ में जो है ना, इनको थोड़ा पढ़ाई के लिए भी समझाना पड़ता है, जैसे बैठ रखे हैं ऑनलाइन जो है इनको काम मिल रहा है, तो इसको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, इसको तो जैसे समझाना पड़ता है कि ये लिखो ये लिखो, मतलब इसको इस तरह से लिखना है फ़ोन में, तो काम जो है ना फिर रुक रुक के होता है, जल्दी नहीं हो पाता। तो कल तो इस वाले रूम की तो मैंने पूरी सफाई कर ली थी और अभी देखती हूँ दूसरे रूम की भी, मैंने जाले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ भी डस्टिंग अच्छी तरह से करनी है। तो इन लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, मैंने भी कर लिया, आज तो मैंने नहाई वगैरह ही पहले ही नाश्ता कर लिया, अभी मैं नहाई नहीं नहाने जा रही थी मैं भी, तो मैंने सोचा कल तो वीडियो की एडिटिंग नहीं की, लेकिन अभी पहले इसकी एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद काम तो कभी पूरे होते ही नहीं भाई, जितना भी जल्दी करो नहीं होते काम पूरे। क्या मुखार ऐसे कर रही है, काम कर रही थी। अब इनका यही है, जैसे मैं इनके साथ बैठी हूँ वहाँ पे तो अच्छी ढंग से मतलब पढ़ाई कर लेंगे, काम करते रहेंगे, और मैं या तो फोन पे बैठ गई या इधर उधर काम कर रही, तो ये लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं, फिर आ जाते शैताने पे। इसको पता है मम्मी अभी मुझे डांटेगी नहीं ना ही मारेगी क्योंकि कैमरा ऑन है, उसके बाद देखना बेटा मैं तेरी पिटाई करूँगी, बिल्कुल नहीं पढ़ते, अब कब तक वहीं पर बैठे रहना इनके साथ, तो और काम कौन करेगा, ये हालत है इनकी। चल ले जो लर्न करने के लिए दे रखा दीदी ने उसे कर ले, टेस्ट है तेरा, बिल्कुल नहीं पढ़ती ये लड़की, और मुझे जो ना बहुत टेंशन होता, दिमाग ख़राब हो जाता कि अब तक तो बोला कि छोटी है, लेकिन अब ऐसे वो आदत पड़ी रहेगी इसको, तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगी, कुछ नहीं करती ये काम, फिर मुझे गुस्सा आता है बहुत, ये तो घर का काम फिर इसके साथ बैठे रहना, जो दीदी ने दे रखा उसे कर ले। तो गाइज वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ, ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरा दुपट्टा भी खींच के ले गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।